तब आप आ जाए जरा रिंग में। अब रिंग पड़ा है सर? वैसे अच्छा सवाल था, मेरा ख्याल सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। एक दो बातें पहले मेरी सुन लें, बाद में फिर अगर कोई पॉइंट आपका रह गया तो बता दो। अपना रजिस्टर खोल लें जरा, जो आपने वर्किंग स्कीम में वर्किंग करवा दो। मैं कौन से क्वेश्चन पे अब प्लीज डिस्कस करने लगा? क्या मैं ये अजीम करूं कि आपने पढ़ा हुआ है? मेरी ये अजम्पशन वैसे गलत है मुझे लग रहा है। पहले तीन पैराग्राफ्स का क्रक्स बताएं जरा, जल्दी जल्दी जल्दी। सवाल के पहले तीन पैराग्राफ्स का क्रक्स। रिंग लिमिटेड को पहला पैराग्राफ में किससे ऑर्डर मिला था? जल्दी 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 जल्दी। गैमा लिमिटेड से मिला था कितने यूनिट्स का? किस प्रोडक्ट का? जिंक का। कितने का एक बेचना था? फिर आरएल ने डबल ए टू का एक रॉ मटेरियल था जिसका ऑर्डर कर दिया था। लेबर का भी ऑर्डर हो गया था, लेकिन फरवरी 2020 में गैमा लिमिटेड वेंट बैंकरप्ट। ये उसी तरह की चीज होगी जिस तरह कल शायद डेल में भी आई थी, लेकिन अलहमदुल्ला फिर आरएल ने रिसेंटली अप्रोच किया किसी सिग्मा लिमिटेड को और उसके साथ भी 3500 यूनिट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अब यूनिट्स का नाम बदल के क्या हो गया है? डी जिंग हो गया। इस डी जिंग में ऑर्डर्ड रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हायर्ड स्किल्ड लेबर भी इस्तेमाल की जा सकती है। डी जिंग को बनाने में 3 महीने लगने हैं और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अब आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है सर, जहां जहां टाइम अगर बचा सकते हैं हम तो मेरा ख्याल बचा लें। मेरा ख्याल है कि मशीनरी में कोई डिस्कस करने की खास जरूरत नहीं है, यह है जल्दी से वर्किंग करवा देता। दो ऑप्शन ही नहीं, आप किस ऑप्शन की तरफ क्यों गए? वन की वर्किंग करवाए। अगर ऑप्शन वन में जाएंगे तो व्हाट इज द मंथली रेंटल? 250। कितने महीनों के लिए? इज इक्वल टू हो गया 750। देन अप फ्रंट पेमेंट दी हुई है तो 5 मिलियन भी तो देना पड़ेगा यार। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेकिन रिफंडेबल है, वापिस आ जाएगा, तो ये खर्चा ही नहीं है, ये तो सॉर्ट ऑफ रिसीवेबल है, एसेट है, तो कॉस्ट में नहीं आना चाहिए। रिफंडेबल ढूंढने के बाद क्या वापिस आ जाएगा? अगर ये नॉन रिफंडेबल होता तो ये खर्चा बन जाना था। लेकिन ये पैसे जो है 5 मिलियन, इनको हमें अप फ्रंट पेमेंट को हमें फाइनेंस करने के लिए लोन लेना पड़ना है। उसका जो इंटरेस्ट है क्या फिर वो इंक्रीमेंटली इंकर हो जाएगा? yes, तो वो एक्सपेंस है। yes, तो उसकी वर्किंग कैसे करूं? 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय इनटू ये 3/12 क्यों किया आपने? 3 महीने का ही हमसे रेलिवेंट है, टोटल हो गया 1 मिलियन। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया, बल्कि सॉरी इसमें 15,000 भी था। अच्छा, जो हजरात अब FA2 में नहीं अभी तक, तो लेसर का मतलब क्या होता है? जिसने एसेट लीज पे दिया हो उसे लेसर बोलते हैं और जिसने लिया हो उसे लेसी कहते हैं। ये मैं सिर्फ उन हजरात को बता रहा हूँ जो FA1 में है, तो आप लोग नोट कर लेना। लेसर मीन्स जिससे एसेट लीज पे लिया है, और लेसी उसे कहते हैं जिसने लीज पे लिया हो। तो रिंग लिमिटेड लेसर है या लेसी है? ठीक है, FA1 वाले हजरात का, तो ये लिख लीजिएगा। तो ये आरएल ने नहीं, रेंटल एज पर द टर्म्स ऑफ द लीज, मंथली मेंटेनेंस जो कॉस्ट थी ये उसने बियर करनी है जिसने रेंट दी, रेंट पे दिया है। तो देयरफॉर ये आरएल का अपना खर्चा नहीं। प्रपोजल टू करवा 160। अब इंटू 6 क्यों किए? तो यार हमें 3 महीनों के लिए चाहिए, लेकिन इस तरह का काम आप सर्वर ढूंढने जरा पीछे पेज जाके जरा ढूंढा ढूंढे ढूंढे लिंक किया गया चीज़ें, ये कुछ डिसीजन मेकिंग के सवालों में 100 नंबर सफा पे कहीं आगे पीछे जरा देखें, सर्वर के नाम से एक सवाल होगा। लास्ट टू पॉइंट्स में ढूंढने जरा ये चीज़ें ना कुछ याद ही हो जानी चाहिए कि उधर क्या हुआ था, इधर क्या हुआ, इधर ढूंढी इधर ही गई। 10 ही 108 एंड पढ़े जरा इसका। फिर देखिए शायद आपने वर्किंग भी लिखी हो, पढ़ के रिवाइज करा दो।
पांच दिनों के लिए रिक्वायर्ड था, एक यही था कि डेली बेसिस पे ले लें, लेकिन एक ऑप्शन ये भी थी कि महीने के लिए ले लें, ऐसे था। लेकिन फिर वो 25 दिनों के लिए शायद सब लेट हो सकता था, ठीक है, लेकिन वो मंथली शायद मिनिमम पैसे देने पड़ रहे थे। तो उसी तरह वापस आए, यहाँ कितने महीनों के लिए चाहिए लेकिन मिनिमम कितने महीनों के लिए मिलेगा, तो फिर 6 महीनों का खर्चा इंकर करना पड़ेगा, और इस केस में मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी होगी, लेकिन वो कहता है होगी उन्हीं महीनों में जिन महीनों में मशीन ऑपरेट करेगी। तो 3 लूं या 6 लूं इज इक्वल टू 60, ये हो गया टोटल। हाँ जी, 960 प्लस 60, तो इसमें से कौन सा आपने सिलेक्ट कर लिया? हायर ऑफ यार लेते हैं, अच्छों में से लोअर ऑफ लेते हैं, तो कौन सा फाइनली सेलेक्ट किया आप लोगों ने? एनी कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अच्छा अगर आपने सीरियस क्वेश्चन ये सॉल्व करने की कोशिश की है ना, तो मेरा ख्याल में अगर कोई पॉइंट है तो सिर्फ वो डायरेक्ट मटेरियल के पॉइंट वन में है, अदरवाइज मेरा ख्याल इशू है नहीं वैसे। चले वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बात शुरू हुई है तो पॉइंट ए पे जरा फोकस करना। अच्छा, जिस चीज पे आप फंस रहे हैं वो जरा मेरा आइडिया है, जरा दोबारा पढ़ के मेरे दो क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ। ये मैं इस वक्त डायरेक्ट मटीरियल में पॉइंट वन की बहस करूँ। जी हमें ए बनाना क्या है, डी जिंक बनाना है, डबल ए टू बनाना है। डी जिंक के कितने यूनिट बनाना है? 3500। हर यूनिट ऑफ डी जिंक को डबल ए टू चाहिए कितने? एक मिनट सॉल्व कीजिएगा। टोटल रॉ मटेरियल के क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 52,500 डी जिंक बनाने के लिए हमें 52,500 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। अब तो इसका पहला सेंटेंस पढ़े, क्या ये ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया हुआ है? Yes, क्या ये मटेरियल आ गया हुआ है? ऑर्डर दिया हुआ है या मटेरियल आ गया? क्या ये ऑर्डर कैंसल भी हो सकता है? असल में इसमें ये इशू, ये ठीक है ऑर्डर दे दिया हुआ है अब इसने आना ही है, लेकिन ये शायद हमने अगला वर्ड लगाया ये सही नहीं है, ये अगर हम चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ये कहां से पता चला मेरा? ये ढूंढने तरह मैंने क्यों बोला है? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड अ पेनल्टी 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल बी पेएबल बाय आरएल। तो ऑर्डर तो दे दिया हुआ है लेकिन हम चाहें तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो चाहे तो कैंसिल कर दें चाहे तो कैंसिल ना करें। तब असल सवाल ये है कि क्या हम चाहें तो 75 पे खरीद लें और चाहें तो 80 पे खरीद लें? पढ़ेंगे नहीं, मतलब चाहें तो, और डेफिनेटली हमें क्या चाहना चाहिए गलत बात। क्या 75 इज संक कॉस्ट? संक हो जानी थी अगर क्या हो जाता, या आ जाता या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल ना हो। अब दो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें और उसकी जगह 80 पे खरीद लें, या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को गो अहेड कर दें और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करके प्लंटी भी बचा लें। वर्ड समझ आया? रिपीट करें, क्या बोल दिया? या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करें और आने दें, और या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके 80 पे खरीदें, या तो कॉन्ट्रैक्ट को आने दें कैंसिल किए बगैर और 75 पे खरीद लें, और या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें और 80 पे खरीद लें और फिर डेफिनेटली वो भी दें। अगर कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज एक्सेप्ट कर लें तो कैलकुलेटर पकड़ लें, कितने यूनिट्स का ऑर्डर ऑलरेडी है?
अच्छा ये भी पहले हमें दो हिस्सों में वर्किंग करनी है, बल्कि पहले तो वही कर ले मरहला। 50,000 में से जो 25, जो रिमेनिंग 2,500 बनेंगे, 52,500 में से 50,000 अलहदा कर दिए मैंने, 2,500 अलहदा कर दिए, इसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं, इसके लिए तो क्या करना, इसको तो इंटू 80 करना ही, तो इसकी तो बहस ही नहीं हो रही, 50,000 की बहस हो रही है। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 75 कर, ये कब होगा, ये कब होगा? अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे ठीक है, लेकिन क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे तो फिर प्लेंटी सेव हो जाएंगे, तो प्लेंटी की जो सेविंग है वो फिर हम इसमें प्लस करेंगे या इसमें नेट ऑफ करना है, इसमें नेट ऑफ करना है। अगर क्या करेंगे तो क्या होगा, 75 पे खरीद लेंगे और प्लेंटी सेव हो जाएगी, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, 80 पे खरीदेंगे और प्लेंटी भी देंगे, तो क्या 75 पे खरीद के प्लेंटी भी बचा लें या 80 पे खरीद के प्लेंटी भी दे दें, अब पैसा बस ये है। तो अगर फॉर एग्जांपल 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3750। लेकिन अब इसमें से क्या लेस होगा या क्या प्लस होगा, लेस क्यों होगा, क्या करने से नहीं, क्या करने से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से प्लेंटी सेव हो जानी है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना किया तो फिर कितने पे खरीदेंगे, 80 पे खरीदेंगे भी और क्या भी देना पड़ेगा, तो अगर 80 की तरफ जाएंगे तो प्लेंटी जमा करेंगे, और अगर 75 की तरफ आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बचत भी हो रही है, इसे फुलफिल करने में 5 रुपए पर यूनिट भी कम है और पेनल्टी के पैसे भी बच जाएंगे। तो हमें 80 की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए, एक तो 5 रुपए पर यूनिट भी ज्यादा है, ऊपर से इधर से भी 20% पेनल्टी भी पे करेंगे। तो असल में इस वक्त डिफरेंस क्या है, जरा एक मिनट डेल ढूंढने जरा, डेल में तो कल हम कह रहे थे कि वो जो उसकी कॉस्ट है वो संक होगी, नहीं थोड़ा सा फर्क बस क्या है, जरा देखें जरा ढूंढे, नहीं मतलब ये भी तो ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, वो भी ऑलरेडी है, दोनों के ऑलरेडी में फर्क क्या है, वो ऑलरेडी परचेज हो गया हुआ है, पड़ा है, ये ऑलरेडी क्या है, ऑर्डर दिया हुआ है, और क्या इसे कैंसिल किया जा सकता है, ये भी इसमें एक इजाफी चीज है, वहां रॉ मटेरियल आ गया हुआ है, अब हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते सवाए इसके कि उसको बेच लें या कहीं इस्तेमाल कर लें। यहाँ ऑर्डर अभी प्लेस तो हो गया है लेकिन स्टिल वो कैंसल हो सकता है, तो अगर हम चाहें तो 75 भी बचा सकते हैं, लेकिन अगर 75 बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर एक तो 80 की तरफ जा रहे हैं और सेकेंडली प्लेंटी भी देना पड़ रहा है। अच्छा जरा 80 को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जरा लेट्स अज्यूम कि ये 65 ही हो या चले 60 कर लो, 80 की जगह 60 हो, फिर बताएं किस तरफ जाना चाहिए, फिर भी वर्किंग कर लेते हैं, कैलकुलेटर पकड़ लो, वर्किंग कर लो, लेट्स अज्यूम ये 60 है, लेकिन 60 से मेरे फिगर्स सेम सेम आ जाएगा, थोड़ी सी और कम कर लेना, 55 कर लेना, किसको चेंज किया मैंने, 75 को या 80 को, लेट्स सी हम 80 की जगह 55 है। अब एक वर्किंग कैसे करेंगे आप, 50,000 इंटू 75 और माइनस, नहीं माइनस 20 तो करेंगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को जो ऑलरेडी हो गया उसको फुलफिल करते हैं तो 20 की सेविंग तो फिर लेस कर लेंगे, तो 3.75 मिलियन बनता है, सॉल्व कर लो, नहीं यार 50,000 इंटू 50,000 इंटू 50, एक वर्किंग पहले वो करवा दो, इंटू 75 ये कितना बना, इसमें प्लस करूं या माइनस, क्या पेनल्टी सेव कितनी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 3750 × 20% कितना बनता, 750, व्हाट इज नेट, 3 मिलियन। अब ये 3 मिलियन क्या है पूरा जरा एक्सप्लेन करें, अगर हम ऑर्डर फुलफिल करेंगे तो 3 मिलियन का खर्चा होगा। अब आ जाए दूसरी तरफ, लेट्स सी 80 की जगह अगर 55 हो जाए तब क्या करेंगे, 50,000 × 55 = 2750। अभी भी यहाँ शायद कुछ होना चाहिए, अब अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करेंगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो प्लस करो या माइनस, ये कब प्लस हो रही है कब माइनस हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे तो प्लेंटी सेव हो जाएगी, नहीं फुलफिल करेंगे तो इंकर हो जाएगी, तो कितनी प्लेंटी है, 750 है ये, अब कितना हो जाएगा, 3.5 मिलियन, बताएं इस केस में क्या करें, अभी भी क्या करना चाहिए,
कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना, अभी भी क्या करना चाहिए। लेकिन अगर ये और प्राइस फॉर एग्जांपल कम हो जाए इतनी कि इसका टोटल कम हो जाए इससे, तो फिर डेफिनेटली हमें शायद पेनल्टी पे करके उस तरफ चले जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही मेरी? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे तो 7.5 लाख बच जाएगा। 35 को अगर हम और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की वजह से 7.5 लाख बच गए। सर जी, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह हम बड़ी यूज करते हैं, ये क्या होती है? क्या वो ये नहीं होता कि वो दे दिया हमने? अगर इधर आएंगे तो वो नहीं होगा, इधर जाएंगे तो होगा। डेफिनेटली आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। क्या ये 7.5 लाख बचाया जा सकता है? क्या करके और कब नहीं बचाया जा सकता है? क्या हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे तो बच जाएगा, नहीं करेंगे तो लग जाएगा? ये चेंज हो सकता है हमारे डिसीजन से? तो ये फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का खर्चा नहीं है, लेकिन इट इज अ सेविंग बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट या बाय सेविंग बाय फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नहीं नहीं, जब देखिए जब हो जाएगा तो वो हो जाती है। जब तक फ्यूचर का डिसीजन है तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। जब ये चीजें आ जाएंगी और आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारी हिस्टोरिकल होती है, ये पता है वैसे किसी को? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होती है? जब वो हो जाए। खर्चा कब रिकॉर्ड होता है? जब वो इंकर हो जाए। और ये क्या खर्चे इंकर हो गए या अभी होने? डिसीजन मेकिंग में कौन सी फिगर्स रेलिवेंट होती हैं जो हमारी फ्यूचर में हमारे कंट्रोल में हो? क्या ये पेनल्टी बचा सकते हैं हम? और इंकर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करनी चाहिए या बचानी नहीं चाहिए, बस ये फैसला हुआ, क्योंकि बचाने में फायदा ज्यादा। अब ठीक है, ये इस अगर डिसीजन मेकिंग है फ्यूचर की है, फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है इस अगर, ये आप कह लें मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। लेकिन जब ट्रांजेक्शन हो जाएगी तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटेंट बीच में आ जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटेंट कब अपना काम शुरू करता है? जब ट्रांजेक्शन हो, नहीं हो या हो जाए। गुड्स कब हम डेबिट करें? जब खरीदनी है, और अगर खरीदनी है तब डिसीजन खत्म हो गया। डिसीजन कब हो रहा होगा? मैं खरीदूं ना खरीदूं, खरीदने से कोई फायदा है या नहीं है? लेकिन जब ये हो गया फिर तो वो संक हो जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एंगल से अब संक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंगल से अब वो ट्रांजेक्शन की अमाउंट बन गई। ठीक है जी जी जी, सवाल में दिया तो इसका मतलब फिर हमें 60 का पड़ेगा। पेनल्टी सेव होने की वजह से हमें एक 60 का पड़ेगा देना, 75 पड़ रहा है लेकिन पड़ेगा 65। पेनल्टी तब सेव हो जाएगी जब आप ऑर्डर फुलफिल करेंगे। कितने रुपए? क्या हम सेव भी कर सकते हैं और इंकर भी कर देंगे, या हम सेव कर लेंगे या हम इंकर कर लेंगे? ये एंड है या और है? तब सेव हो जाएगी, कब इंकर हो जाएगी? भाई जान, या ये हो सकता है या वो हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, तो दोनों मिला के हो गए 1.5 लाख 15 लाख।
सर इसमें से हुक्म करें कि इसमें से करना क्या है दोनों? और सर जी इसमें से फाइनल बताएं कौन सा काम का, दोनों नहीं करना ना? अब बताएं कितना रह गया? तो यार यकीन मान यही हो रहा है, या तो ये दोनों करने होते फिर तो 15 15 लाख समझ आती है, या वो होना है या ये होना है। क्या करेंगे तो क्या होना है, क्या करेंगे तो क्या होना है? ये दोबारा जरा ये पॉइंट जरा एक सेकंड सुन लेना सर, एज इट इज योर क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन में बड़ी 75 बोल दे बोल दे बोल दे, व्हाट इज 75? ये ऑलरेडी वर्ड आपने आपको तंग किया हो ना, तो मैंने जरा कोशिश की ऑलरेडी ही एक्सप्लेन करूंगा क्या ऑलरेडी हो गया हुआ है। गुड्स आ गई है, ऑर्डर ऑलरेडी हो गया, लेकिन क्या ये ऑर्डर कैंसिलेबल है? ये कहां से पता चला मुझे? ये पेनल्टी से पता चला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टी इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड? इसका मतलब स्टिल अभी हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहें तो फुलफिल कर लें और चाहें तो फुलफिल ना करें। अब ठीक है जी, आप क्लियर होंगे डियर फ्रेंड्स? पर ये आपका नाम अगर पता चल जाए तो बार बार डियर फ्रेंड ही कहता था जी। आप अगली वर्किंग करवा दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप क्लियर? अब बाकी वर्किंग स्टैंडर्ड जरा बोलते रहे, मेरा ख्याल में इशू नहीं है। ए 76 78 सॉरी, इसके यूनिट्स बताएंगे कितने चाहिए? 3500 इंटू 10, इसका मतलब टोटल यूनिट्स कितने चाहिए? 35,000। अब पढ़े जी सेंटेंस, अवेलेबल मार्केट में है कितना खर्चा होगा? अगर परचेज करेंगे तो कितना खर्चा होगा? 35,000 इंटू 110 इज इक्वल टू 3850000। ऑल्टरनेट के बना सकते हैं कितने का? 80 पर यूनिट का। फिक्स कॉस्ट क्या, अब्सॉर्प्शन रेट भी दिया हुआ है? नहीं, एक मिनट एक मिनट। और फिर इंटरनल प्रोडक्शन पे एक चीज आ रही है, 20% लॉस एक्सपेक्टेड है। अब कंसंट्रेशन सुनिएगा, और इस तरह की चीजें प्लीज अब होनी चाहिए। क्या इंटरनली बनाया जा सकता है? तो अगर इंटरनल प्रोडक्शन करेंगे तो यूनिट चाहिए कितने? नहीं वही 3500, 3500 × 10। अब 3500 × 10 का मतलब है 35,000 यूनिट्स चाहिए। ये रिक्वायर्ड है या इतने ही बनाएंगे? अब जरा परसेंटेज पढ़ लें, जरा ये 20% अब तेजी से ध्यान में आनी चाहिए। 20% ऑफ द नॉर्मल लॉस है, डिवाइड बाय बताएं, डिवाइड बाय। इनको हमेशा सीरियस लेना आपने। ये कैसे वर्किंग की आप लोगों ने? नहीं मतलब लिख के कहीं की होनी चाहिए, कहीं लिख के की होनी चाहिए, अपने जहन में जो आ रहा है उसको लिखना चाहिए, गलती हो जाती है ऐसी। तो डिवाइड बाय 80 क्यों किया मैंने? ये रिक्वायर्ड है, ये वही है रिक्वायर्ड है। और क्या निकालने लगा हूँ? यूज कह लें या चले, हाँ ठीक है, रॉ मटेरियल यूज होना। इतना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, 35,000 यूनिट रिक्वायर्ड है, कितने रॉ मटेरियल के यूनिट्स बनाने पड़ेंगे ताकि रिक्वायर्ड बच जाए? ये ज्यादा क्यों बनाने पड़ रहे हैं? क्योंकि लॉस है। तो डिवाइड बाय 18 × 100 से क्या आएगा? जो टोटल इनपुट क्वांटिटी होगी और मल्टीप्लाइड बाय, एक दफा फिर 80 आ रहा है सर, वो 80 कौन सा आ रहा है? डिवाइड बाय 80 कौन सा आया? 20% लॉस वाला, 20% लॉस वाला। और इंटू 80 कौन सा आया है? पर यूनिट कॉस्ट वाला। लेकिन मैंने सिर्फ वेरिएबल क्यों लिया है? फिक्स भी तो आना है। हाँ जी, अब्सॉर्प्शन रेट की बेस पे दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट कौन सी रेलिवेंट होती है जी? आंसर बताओ। 3.5 मिलियन। इनमें से फिर हमें किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए? परचेज करें या बना लें? वाई 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 पॉइंट नंबर 3 में आ रहे। ठीक है जी, 35,000। ये खुद से पढ़ने वाले हैं सर, इस तरह देख के लिखने का कोई फायदा नहीं है सर। ये पॉइंट नंबर 3 मेरा गुमान है कि आपको महसूस हुआ होना चाहिए कि पेज नंबर 94 जैसा सिनेरियो है ये, और मेरा ख्याल है कि कहीं शायद मिलता जुलता भी है ये जी। कितने यूनिट चाहिए जी? जल्दी से वर्किंग बोले, स्पीडअप और एक क्वेश्चन करना है। तो 3500 × 5
17500 यूनिट्स रिक्वायर्ड है जी, कितने का आ जाता है ये? मार्केट से 20 रुपए का आ जाएगा। हाउएवर सब्स्टिट्यूट मटेरियल अवेलेबल है, कितना, कौन सा वाला? D50, जिसे यूज किया जा सकता है, करवाना चाहिए। 5000 यूनिट्स अवेलेबल है, तो 5000 तो इसमें से निकाल देता, 12500 का क्या करेंगे? इंटू 20। चलिए D50 वाली जरा स्टोरी चलाएं। D50 सर, D50 के कितने केजी अवेलेबल है और कितने यूनिट अवेलेबल है? 5000 यूनिट जो D50 के अवेलेबल है उनका क्या क्या किया जा सकता है? नहीं 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 ना ना ना, मार्केट में सिर्फ बेचा ही जा सकता है। प्लीज D50 का क्या क्या किया जा सकता है? सिर्फ मार्केट में बेचा जा सकता है, मेरा ख्याल है। क्या क्या नहीं है तो कंसल्टेशन रहा। D50 का क्या क्या किया जा सकता है? ये 5 ढूंढने जरा आखिरी लाइन में से। D50 वॉज परचेज, ये 5 क्या है? अब ये ठीक है, ये संक है, ये संक क्यों है? ये खरीद चुके हैं हम। 3 ढूंढने क्या है? मार्केट में कितने पे बेचा जा सकता है? 3 पे, और एक 15 है, ये 15 क्या है? अगर D50 को C11 की जगह इस्तेमाल करना है तो C11 की जगह इस्तेमाल करने के लिए D50 को हमें 15 रुपए खर्चा करके कन्वर्ट कर, किसको किस में कन्वर्ट करने का कितना खर्चा है? तो क्या ये ऐसे है कि D50 को 15 पे कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे और 3 रुपए पे कहीं बेच देंगे? क्या एक ही काम है? D50 को अगर इस्तेमाल करना है तो फिर बेचेंगे नहीं आप, तो 3 रुपए तो वो वेस्ट होंगे, यानी कि 3 रुपए वो आप नहीं कमा सकेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर ना बेचा तो आपको 15 रुपए का और खर्चा भी करना है ताकि ये C11 जैसा बन सके। तो अगर आपने D50 को C11 की जगह इस्तेमाल किया तो ना आप 3 रुपए कमा सकेंगे और ना ही 15 कमा सकेंगे, 3 रुपए मिलेंगे नहीं और 15 रुपए लगाने पड़ेंगे, तो दोनों का मिला के हो गया 12। और जमा क्यों कर दिए, माइनस होना था। 3 मिलेगा नहीं और 15 लगाना पड़ेगा, 3 कैश आएगा नहीं और 15 कैश आउटफ्लो होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। प्लस क्यों हो रहे? 3 ना मिलने का नुकसान है और 15 खर्चा इनकर करने का नुकसान। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ यूजिंग D50 एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ C11? ये समझ आ रहेगा प्लीज? तो बताएं 12 की तरफ जाएं, सॉरी 18 की तरफ जाएं या 20 की तरफ जाएं? मिलता कितने का है मार्केट से, कितने का मिल रहा है? 20 का। और अगर D50 का यूज करेंगे तो 3 रुपए फॉरगो करने पड़ेंगे, 15 रुपए इनकर करने पड़ेंगे, तो 18 रुपीज का नुकसान होगा, विच इज लेस देन 20 रुपीज। देयरफॉर जो 5000 यूनिट्स रह गए हैं उनको मल्टीप्लाइड बाय 12 करूं, 15 करूं या 18 करूं? 3 और 15 लेदा वर्किंग भी कर सकते हैं आप, लेकिन मेरा ख्याल आपने देखा होगा शायद 18 से भी हुई है। ठीक है प्लीज, स्टूडेंट समझ गए प्लीज? ये मेजोरिटी को तो टाइम ही नहीं मिला होगा, ये आंसर बताइए। 5000 × 18 90 ये हो जाएगा, ऊपर क्या बनता 12500 250, दोनों का मिला कर 340। एनी कंफ्यूजन जी, एनी क्वेश्चन जी? नुमान वाई डायरेक्ट लेबर या ब्रेक लेबर, मेरे ख्याल एग्जैक्टली वही बता दें जहां मसला। ये बैचेस निकला है, ये टोटल टाइम रिक्वायर्ड बताएं। पॉइंट नंबर 1 और 2 इकट्ठा होना चाहिए, हाँ जी 2 डबल 1। पांच हजार इसलिए माइनस किया क्योंकि सर 5000
यूनिट्स अवेलेबल है, 5,000 इसलिए माइनस किया क्योंकि 5,000 यूनिट्स अवेलेबल है और वो 18 रुपीस के खर्चे से टोटल यूज हो जाएंगे जी। टू ये क्या आंसर टोटल आवर्स आए जिन्होंने किया, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। 2116 आवर्स ठीक है। लर्निंग कर्व की स्टोरी में तो इशू नहीं है, लर्निंग कर्व की स्टोरी में इशू तो नहीं है, लेकिन आप पढ़े जरा इसका, अब स्टोरी है क्या? पॉइंट वन में है। 2166 2116 की कॉस्ट कैसे निकालो? 2116 माइनस 200, ये 200 क्या है? आइडल पड़े में इनको कितने पैसे पहले दे रहे थे? ये टारगेट कॉस्टिंग में जाए जरा, टारगेट कॉस्टिंग का सवाल नंबर 4 ढूंढ के जरा पेज नंबर बताएं। कौन सा पेज बता रहे? 171 पे भी इसी तरह एक पॉइंट आया था, तो जरा ढूंढ ले, जरा कोई आइडल टाइम था कहीं? पॉइंट नंबर 2 था, आइडल टाइम था, आइडल टाइम था सर। आइडल टाइम में भी लेकिन पैसे दे रहे थे, तो अगर काम करवाएंगे तो कौन सा 50% रेलिवेंट था, जो दे रहे थे या देना पड़ेगा? तो ये बिल्कुल वही पॉइंट है। यहाँ भी ये 200 घंटे, इन 200, ये 200 घंटे आइडल तो हैं, लेकिन कितने पैसे दे रहे हैं? अगर पूरे दे रहे होते फिर क्या करते हैं? अगर हम इन 200 घंटों के पूरे पैसे आइडल टाइम में दे रहे होते तो फिर हम पूरा कंसिडर करते या इग्नोर करते? अब हम कौन सा 50 लेंगे जो देना वैसे क्यों पड़ेगा? कब तक वो आइडल रहेंगे? ये अगर ऑर्डर नहीं लेंगे तो आइडल है, और अगर ऑर्डर लेंगे तो फिर वो आइडल नहीं रहेंगे। आइडल ना रहने की वजह से देने उन्हें पूरे पैसे पड़ेंगे, लेकिन कितने आप ऑलरेडी दे रहे हैं? तो कितने, कौन सा वाला 50% रेलिवेंट है, जो दे रहे हैं या जो देना होगा? देना क्यों होगा? आइडल है यार, उन्हें क्यों देना होगा? बाकी जब ऑर्डर लेंगे तो आइडल नहीं रहेंगे, और पूरे पैसे देने की वजह से जो रिमेनिंग 50% है वो फिर आपका आइडल, सॉरी वो आपका रेलिवेंट बन जाए। ठीक है जी, इसका साथ बल्कि नोट भी कर लेंगे, पेज नंबर नोट किया करें, उधर उधर इधर इधर उधर से इधर देखें, इधर से उधर देखें, और चेक किया करें कि सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज क्या है। माइनस 200 किया, रेट बताइएगा 1000, 200 के अलावा 1000 ही रेट मल्टीप्लाई होगा। 200 की वर्किंग बोले कैसे किए? इनटू 1000 इनटू कौन सा 50% जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये मैंने खल हो जाएगा। स्किल्ड लेबर में करवा दें, वहां शायद 3 ऑप्शंस बन गई, सेमी स्किल्ड जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके जी, सेमी स्किल्ड पढ़े, ऑप्शंस बताएं। नंबर 1 ऑप्शन के आज चाहिए कितने बोल गए? 4000 सॉरी 3500, हर यूनिट को कितना टाइम चाहिए टोटल करेंगे? 5 to 50 आर्स अवेलेबल कितने हैं? कहाँ अवेलेबल है? अपने पास अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, और किस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे? 600, तो 24 लाख ये हो जाएगा। और कितने घंटे चाहिए होंगे? 1250। अब उनकी बहुत सी ऑप्शंस लिखी हुई हैं। हाँ जी, एक ऑप्शन, इसकी क्या ऑप्शन है? लेबर इज विलिंग टू डू ओवर टाइम, कितने परसेंट लेकिन रेट देना पड़ेगा? 1250 कैसे निकाला मैंने? बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, इंटू 600 इंटू 1.5, 150%, 50% और देना होगा। सॉल्व कर दे, दोनों का प्लस कर दें, 3525000। क्या है ये? अगर हम सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज को मार्केट से लेंगे तो हमारा टोटल खर्चा 3525000 है, लेकिन क्या अल्टरनेट भी कोई है? क्या अल्टरनेट है? अनस्किल्ड को भी हायर किया जा सकता है, कितने पे? हाउएवर क्या करवाना पड़ेगा, सॉरी क्या होगा? 300% टाइम ज्यादा लेंगे सेमी स्किल्ड से, वर्किंग करवाना शुरू करें। 3500 क्या है यूनिट्स, 1.5 क्या है आर्स पर यूनिट किसके हैं,
सेमी स्केल मल्टीप्लाइड बाय, अब ये थ्री भी सीधा हो सकता है वैसे, 300% को कैसे लिखा जा सकता है, थ्री टाइम्स है ये, 300 times है या 3 times है, कैलकुलेटर पे लिखे 300 डिवाइड बाय करें 100, आंसर क्या आया 300% मीन्स 3 times है, तो 300% अगर करेंगे तो ये किसका टाइम आ जाएगा, अनस्किल्ड का, और किस रेट पे पैसे देंगे 200, आंसर क्या बना, ये 3150 कब इंकर होगा, अगर सेमी स्किल्ड की जगह अनस्किल्ड यूज करेंगे, लेकिन क्या और भी ऑप्शन मौजूद है, क्या 3500 × 1.5 ये 250% हो जाएगा, 2.5 या 250% into कितना खर्चा बनता है 2625, लेकिन क्या इसमें कुछ प्लस भी होगा, अगर ये होना है तो क्या करना है, ट्रेनिंग करवानी है, किसको कितना खर्चा करके ट्रेन अगर कर ले तो क्या होगा, हाँ जी अनस्किल्ड को अगर ट्रेन करने 3 lakh के खर्चे से, तो वो फिर वो जो टाइम 300% तक जाना था 250% पे जाएगा, 3 lakh जमा हो जाएगा, टोटल कितना बना 2925000, और फाइनली इन तीन ऑप्शंस को प्लस कर लें या कोई एक सिलेक्ट कर लें, ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए थे, कौन सा सिलेक्ट हुआ 2925 वाला क्यों सिलेक्ट हुआ, क्योंकि ये सबसे एंड में आया, ये क्या हो रहा है, ये क्या है ना, सवाल पड़ा है ना, एक्सप्लेन हो रहा है, नीचे मुंह करके लिख ही जा रहा है, वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट होंगे कैसे, नहीं ये सही बताना है कैसे, कैसे 2116 में से तो आइडल निकालने, आइडल में तो आते होंगे, आइडल आज में ओवरहेड्स 50% इनकर हो तो रहे, नहीं वो क्या, नहीं वो क्या है, वो क्या है, लेबर को फर्क बैठा के भी 50% दे रहे, तो बिजली भी तो चलाई होगी, नहीं उनको ऐसी चला देंगे, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नहीं चल रही होगी, जहां प्रोडक्शन होनी वो नहीं चल रही होगी, तो वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो आइडल आवर्स ये, अच्छा दोबारा फाइनल कर ले आप ध्यान में, क्या आइडल टाइम में ओवरहेड्स होते हैं, तो इसलिए तो कह रहा हूं माइनस करें, हाँ जी अब आइडल नहीं रहेंगे, 200 कब तक आइडल रहेंगे, जब तक ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर वो आइडल नहीं रहेंगे, इनटू ढूंढे रेट 120, आंसर निकाल लेंगे इंशाल्लाह, एनी अदर इश्यू, इसके एक मिनट रिक्वायरमेंट पढ़े, उसने तो पूछा था, नहीं नहीं रिक्वायरमेंट पर यूनिट तो आप निकाल लेंगे 3500 मल्टीप्लाई करके, उसने पूछा क्या था, उसने कहा था मिनिमम प्राइस, तो हमें क्या पता मिनिमम प्राइस, उसने तो प्रॉफिट्स नहीं दिए, कम से कम कितने पे बेचेंगे, कॉस्ट पे, मिनिमम प्राइस वो है जो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट पर यूनिट आएगी, लेकिन डेफिनेटली आप उस मिनिमम पे नहीं बेचेंगे, आप उसमें प्रॉफिट रख के बेचना चाहेंगे, लेकिन कम से कम कितने पे बेचेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कॉस्ट से नीचे नहीं आना, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिनिमम प्राइस, ये लिखे साथ है सेंटेंस, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस रेलेवेंट कॉस्ट पर, ये ठीक है जी ऑनलाइन सर, आई होप के मेरे कहने से आपने किया है, और करने के बाद अब ये रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला इशू रिजॉल्वड है।